अजमेर वॉल सिटी स्थित तंग गलियों में बनी दुकानों व अवैध निर्माण मालिकों को लगातार मिल रहे नोटिस के बाद आज सभी व्यापारी एकत्रित होकर अजमेर नगर निगम पहुंचे और उन्होंने नगर निगम आयुक्त चेन्नई गोपाल से मुलाकात कर इस विषय में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि दिल्ली अग्निकांड व अन्य हादसों को ध्यान में रखकर नगर निगम द्वारा लगातार वॉल सिटी में बरसों से बनी दुकानों व नए निर्माण लेकर नोटिस जारी किए जा रहे थे, जिसे लेकर व्यापारियों में भय का माहौल था। व्यापारियों का कहना है कि आयुक्त चिमन्य गोपाल ने सभी से शालीनता से बातचीत की और कहा कि उन भवन मालिकों को डरना होगा जिन्होंने गलत तरीके से कॉम्प्लेक्स व दुकानों का निर्माण किया है और नगर निगम के बायलॉज को फॉलो नहीं किया है। बाकी सभी व्यापारी आराम से अपनी दुकानों को संचालित कर सकते हैं। इस आश्वासन के बाद सभी व्यापारियों ने राहत की सांस ली और अपने अपने दुकान में माल को सही ढंग से नियम के मुताबिक बनाने की बात कही है। उस प्रकरण के अंदर मैडम से बात करनी थी और मैडम से बात करके सारा व्यापारी वर्ग आश्वासित हुआ है, क्योंकि मैम ने तसल्ली दी है कि जो भी बड़े मल्टीप्लेक्सेज या कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेज हैं जो नियम के खिलाफ बने हुए हैं, जिनमें फायर की सुविधा नहीं है, एग्जिट के रास्ते नहीं है, उनके ऊपर तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो भी पुराने चले आ रहे हैं या रेनोवेशन के नाम पे वो दोबारा उठाए गए हैं, भले ही वो 10 फीट 12 फीट या 20 फीट के ऊपर हैं, वो बायलॉज के हिसाब से उन नक्शों को कमर्शियल किया जाएगा। और अगर वो नहीं हो रहे हैं तो उनकी जानकारी दी जाएगी कि वो क्यों नहीं हो रहे हैं। बिना वजह से किसी भी प्रॉपर्टी को सीज नहीं किया जाएगा। आपके पास नोटिस आता है तो आप उसे लीजिए, उसका जवाब दीजिए, उसके अंदर क्या कारण आ रहे हैं निगम वो देखेगी और निगम व्यापारी वर्ग के साथ के अंदर है और निगम व्यापारी वर्ग को बिना वजह से तंग नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी। अगर निगम का कोई भी अफसर आपको सीईओ के नाम पे या मेयर के नाम के ऊपर किसी भी प्रकार की धमकी देता है या आपको इस प्रकार से बोलता है कि भाई आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, सीज हो जाएगी, तो आप कृपया करके बिना डरे निगम में आए, मेयर को या सीईओ को कन्फर्म करें, इन्फॉर्मेशन दें, जिससे वो इस समस्या का आपका समाधान कर सके। हमारा मेरा कोई भी मामला नहीं था, मेरे साथ में मेरे व्यापारी भाई जो मेरे व्यापारी भाई हैं सारे के सारे, मैं तो इनके साथ एक समाजसेवी के हिसाब से हूँ। सब लोग परेशान हो रहे थे पिछले कुछ दिनों से, लगातार पुरानी मंडी चुड़ीदार नाला बाजार के अंदर भय का माहौल था। हर समय ये एक ही चीज़ आ रखी थी कि आज आपकी प्रॉपर्टी सीज होने वाली है, कल आपकी सीज होने वाली है। सुबह सुबह सारा व्यापारिक वर्ग अपने सारे काम छोड़ के 7 बजे से वहाँ बैठा हुआ है कि निगम की टीम आके कहीं उनके निर्माणों को सीज ना कर दे, कहीं तोड़ ना दे। व्यापारियों में डर का माहौल बना हुआ था, इस वजह से आज सारा व्यापारी वर्ग इकट्ठा होकर यहाँ पे आया, मैडम से बातचीत करी और मैडम से बातचीत करके तसल्ली मिली है, क्योंकि मैम ने कहा है बिना वजह किसी भी इस मैटर को नहीं उठाया जाएगा, लेकिन उन मुद्दों को छोड़ा भी नहीं जाएगा जो बिल्कुल ही नियमों को ताक में रख के बनाए गए हैं। तो मैम ने ये आश्वासन दिया।